हेलो दोस्तों, नमस्कार। होम मास्टर रेसिपी में आपका स्वागत है। आइए आज हम बनाते हैं मैंगो आइसक्रीम। मैंगो आइसक्रीम बनाना बहुत ही आसान है। ये इसमें हमने ज़्यादा सामान का भी यूज़ नहीं किया है और ये फटाफट तैयार हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमें इसके लिए मैंने आम लिया है, लगभग 500 ग्राम है और इसमें हम 100 ग्राम चीनी का यूज़ कर रहे हैं। और ये हम 100 ग्राम तक मलाई है, घर की मलाई बिल्कुल फ्रेश है। और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, ये बिल्कुल फ्रेश मलाई है। अब इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। तो हम मैंगो डालते हैं जार में। ये हमने धुल कर काट कर निकाल रखे हैं। लगभग 500 ग्राम आम है ये। तो आप ऐसे ही कम इंग्रेडिएंट्स में बना सकते हैं आराम से। और इसमें हम मलाई डाल देंगे, बिल्कुल फ्रेश मलाई है। और ये खाने में मैंगो आइसक्रीम बहुत टेस्टी लगती है। आप इसको चाहे जब बना सकते हैं। अब आम का सीजन आ गया है तो ये हम इसमें चीनी यूज़ कर रहे हैं, 100 ग्राम तक चीनी है। और इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी डाल देंगे ये। और इसको अब ग्राइंड कर लेंगे। अब ये ग्राइंड हो गया है। ये देखिए इसका कलर कितना बढ़िया दिख रहा है, एकदम बिना किसी कलर यूज़ किए हुए। और कितनी बढ़िया है, अभी बहुत सॉफ्ट आइसक्रीम बनती है इसकी। और इसको हम एयर टाइट कंटेनर में भरकर फ्रीजर में रख देंगे। और इसको आप ऐसे ही भी चाहें तो 3-4 घंटे में भी ये खाने लायक हो जाएगी, लेकिन वैसे इसको 5-6 घंटे आप फ्रीजर में रखा रहने दें तो बढ़िया जम जाएगी। और इसको हम बंद करके एयर टाइट कंटेनर में रख देंगे फ्रीजर में ये। और ये बहुत टेस्टी लगती है। ये हमने इसको 7-8 घंटे फ्रीजर में रखा है। ये आप फटाफट भी बना सकते हैं और ये खाने में भी बहुत अच्छी लगती है। और फ्लेवर भी हम मैंगो का ही अच्छा लगता है। हमने यहाँ पर इलायची और या कोई एसेंस भी नहीं यूज़ किया है। ये देखिए कितना बढ़िया निकल रही है, ये बहुत अच्छे से निकलती है। और आपको कोई सामान इसमें बाहर का भी नहीं लेना है कुछ। ये देखिए हम ऐसे ही चम्मच से निकाल रहे हैं तो भी कितना बढ़िया निकल रही है। ये देखिए, ये आप ऐसे बनाएंगे तो ये आइसक्रीम आप दूसरी आइसक्रीम खरीदना भूल जाएंगे। आप ऐसे ही बनाइए इसको और देखिए, बच्चों को भी बहुत पसंद आती है। और ये फटाफट भी तैयार हो सकती है और आप फ्रीजर में भी रख सकते हैं। और गर्मी आ गई है तो मैंगो का सीजन है तो मैंगो तो घर पे रहता ही है। आप ऐसे ही बनाइए। और अगर आपको ये रेसिपी हमारी पसंद आई तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए हमारे चैनल को और लाइक करिए, कमेंट करिए। हमने इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी ऊपर से डाल दिए हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।